बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद मुर्शिद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन करम, खबरें नून लीग के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस मौजूदा हालात के अंदर, और ये खबर काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर कैद कर दिया गया और ताकतवर हलकों की जानिब से मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और इसलिए जो सारे मामला है, जो खबरें निकल कर आ रही है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे, फ़लस्तीन गजा के ये जो जंग हो रही थी इसराइल के साथ, 6 महीने मुकम्मल हो चुके और कमो पेश 33,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, और यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ तक कि इंडिया भी ये दावे करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि जो इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ साहब थे, वो ये कह रहे कि जनाब अगर दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर भी हुए तो हम वहाँ पर भी कत्ल करवा देंगे उन्हें। यानी कि वो अपनी इतनी पावर शो कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालात और मामलात की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा सवाल या निशान उठता है मोहतरम जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के ऊपर, जो कि माजी के अंदर खुद को एक ऐसे पॉइंट के ऊपर रख कर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि जब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा तो फिर मैं ये कर दूंगा, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा हूं, मैं किसी भी इदारे को, यानी कि इस तरह की गुफ्तगू की जाती थी। लेकिन अगर आज इस पॉइंट के ऊपर मुल्की हालात को देखा जाए तो बदतरीन मामलात जस्टिस बंदियाल के बाद अगर कहा जाए तो फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के दौर के अंदर आए हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि सवालिया निशान उठता है, कल की जो इमरान खान साहब की जेल के अंदर से गुफ्तगू थी, सीधा सीधा पॉइंट के ऊपर इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा कि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर मुल्क को जनरल आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, और जो लंदन डील हुई थी नवाज शरीफ के साथ, शरीफ खानदान के साथ, वो जनरल आसिम मुनीर ने ही की थी। आईएसआई के इदारों ने ही ये जो कुछ जजेस हैं उनको तैनात किया, उन्हीं से फैसले किए जा रहे हैं, उन्हीं सारे जजों से फैसले करवाए जा रहे हैं और उन्हीं जजों को दबाव के अंदर लाया जा रहा है। और 6 जजों के बारे में मैंने आपको कल बताया, लेकिन आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो सवाल निशान उठता है इस वक्त मौजूदा गुफ्तगू करते आगे चलकर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कि ये जो नवाज शरीफ साहब वाला मामला है वो क्या, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए कि नून लीग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी यहाँ पर उनके खानदानी राय से कि नवाज शरीफ साहब इस माह रमजान के आखिर के अंदर सऊदी अरब जाएंगे, वहां पर उमरा करेंगे और उसके बाद सीधा लंदन रवाना हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ऐलान करने के, उनके अपने खानदान के ऐलान करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर ही रह गए। लेकिन आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और ख्वाजा आसिफ साहब, दूसरे कुछ देगर अहम तरीन इन लोग पार्टी के जो रहनुमा है, वो भी सऊदी अरब चले गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब यहीं पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो खबरें फैलाई जा रही है कि जनाब करम नवाज शरीफ साहब को रोक लिया गया जमानत के तौर के ऊपर कि जब तक आपकी गवर्नमेंट है तो नवाज शरीफ साहब यहीं पर रहेंगे, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए लंदन के अंदर तो फिर कोई भी ऐसे वाकया पेश आ सकता है या कोई भी ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी हमेशा दोनों तरफ खेलने वाली चीज है, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी एक रुख के ऊपर नहीं चलेगी, जब वो एक रस्सी को पकड़ेगी तो फिर दूसरी रस्सी अपने लिए रखेगी ताकि अगर यहाँ पर जो मामलात ख़राब हों तो वो दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन अभी मुल्क के अंदर मामलात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट के मामलात बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे, जो कि बिल्कुल एक सीधी सीधी रिपोर्ट आपके सामने। और खैर, इस खबर के बाद कि इमरान खान साहब ने जब ये कह दिया कि मौजूदा हालात के अंदर आसिम मुनीर साहब भी मुल्क चला रहे हैं, जो कि एक हकीकत है, इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर आमरियत है, मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहा हूं, अगर इस मुल्क के अंदर आप लोग जमहूरियत नहीं आने देते, अगर आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर आमरियत ही चलानी है तो कमो पेश आप ये ऐलान ही कर दे कि इस मुल्क के अंदर आमरियत है, तो फिर इसमें छुपाने वाली क्या चीज़। तो इमरान खान साहब के ये ऐलान करने के बाद तो आप भूल ही जाए कि कुछ दिनों के अंदर या कुछ टाइम में इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि वाहिद रास्ता बच चुका शरीफ खानदान या आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप ये देखिए कि वो कोई भी एक ऐसा कदम उठा सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जमानत के तौर के ऊपर ये खबर निकल कर आ रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क के अंदर रख दिया गया कि आप तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर शरीफ खानदान भी ये अच्छी तरीके से जानता है कि अब इनके पास हमारे सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर ये इनके खिलाफ जाने की कोई बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के अब दोबारा से इमरान खान साहब के साथ गठ मिल जोड़ करके दोबारा से हुकूमत बनाना और ये सारे मामले, ये बहुत दूर की बात है।
और दूसरा आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर बर्बाद हो चुका। जिस तरह से आप ये देखिए कि 6 महीने की मैंने बात की कि फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जिस तरह से जंग चल रही है, और कमोपेश रिपोर्ट के जो रिपोर्ट की जा रही है कि 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुसलमान मुल्कों के अंदर एटमी पावर होने के बावजूद आज हम खामोश हैं। आज हम अपने मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर पा रहे। इसकी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान के इदारे अब तक काम नहीं कर रहे। और दूसरा, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि जिम्मेदार शख्स अगर किसी को ठहराया जा रहा है, और वो है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। जब वो अपनी चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर नहीं थे, बतौर एक जज सुप्रीम कोर्ट के अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे अपने कैंपन के अंदर बैठ के, यानी कि जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तब भी वो किसी बेंच के अंदर नहीं बैठ रहे थे कि जनाब मैं अपने चैम्बर से काम करूंगा, यानी कि रूठे हुए। जब उन्होंने कहा, जब चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर आए तो मामलात आपके सामने आए। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आप ये देखें कि बहुत सारे केसों के अंदर डंडी मारी, एक सियासी पार्टी का सैम्बल छीन लेना, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अहम किरदार, और दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर डंडी मारना जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। आप ये देखिए कि अपने सुबह बलोचिस्तान के जो रेक्रूटिंग वाला मामला है वहां पर भी अपने सूबे को इंसाफ नहीं दिला पाए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब। और कितने ही मैं केसेस को देखूं कि इनके होते हुए, यानी कि सिविलियन अदालतों के होते हुए आप ये देखिए कि फौजी ट्रायल के अंदर सिविलियन को देना जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के होते हुए सारे मामला। तो ये मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो ये कहता था कि जी आमरियत नाकबूल है, मैं अपने होते हुए आमरियत को कभी भी हावी नहीं होने दूंगा मुल्क के ऊपर, जिस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत हो। लेकिन आज यहाँ पर सबसे बड़े बेनकाब जो हुए हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हुए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखिए कि इमरान खान साहब का ये जो पॉइंट था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही लंदन प्लान में शामिल थे, ISI के इदारे ने ही मौजूदा जजों को तैनात किया, उनसे फैसले करवाए, और बुशरा बीबी को भी इस केस के अंदर आसिम मुनीर साहब ने ही धकेला ताकि मुझे प्रेशराइज किया जाए, लेकिन मैं असूलों के ऊपर ही अगर बैठूंगा तो बात करूंगा, असूलों के अलावा मैं कोई भी गुफ्तगू नहीं करूंगा। नज़कम नवाज शरीफ साहब के हवाले से यही गुफ्तगू निकल कर आ रही है कि जब तक अभी फिलहाल के लिए तो उन्हें बाहर बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरे नंबर के ऊपर अभी कुछ खबरें ऐसी निकल कर भी आ रही हैं कि अगर इमरान खान साहब सरेआम आकर कौम से 9 मई वाले मामले के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर ये मामला कुछ ना कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, आप ये देखें कि जनाब कराम 29 अप्रैल वाले दिन फुल कोर्ट के ऊपर ये चीज़ लेकर चले गए कि जनाब कराम जो 6 जजों वाला मामला था उन्होंने खत लिखा कि इदारे यहाँ पर हमें ब्लैक मिल करके हमसे फैसले करवाना चाहते हैं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इन सारी गुफ्तगू के होते हुए भी आज पाकिस्तान की अदालतें खामोश हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा वो जज जो ये कहता था कि मैं आमरियत को कबूल नहीं करूंगा, वो खुद के एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा शो करते, लेकिन आज वो खामोश है। आज वो कोई गुफ्तगू नहीं कर, अपने अंडर आने वाली अदालतों की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा वो शख्स, यानी कि एक कमेटी तश्कील दी, वो भी खुद चल कर गया, खुद पैगाम भेजा पाकिस्तान के एक ऐसे वज़ीरे आज़म को जो खुद एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है इस मुल्क के ऊपर, जो कि आवाम का मैंडेट चोरी करके इस सीट के ऊपर मुसल्लत हुआ पड़ा था। जनाब जस्टिस काजी फैज साहब उनके पास चलकर गए, उन्हें ये कहा कि एक कमेटी तश्कील दे, और उस कमेटी के अंदर जो हेड बनाया गया एक रिटायर चीफ जस्टिस को बनाया गया। आप जब ये देखिए कि जब एक सर्विस जजेस को फैसले नहीं किए करने दिए जा रहे तो वहां पर एक ऐसे रिटायर जज के ऊपर ये सारा मामला छोड़ देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान था। ये तो मुसद्दिक मलिक साहब के जिन्हें सरबरा बनाया गया था उस कमेटी की, उनकी आप ये देखिए कि खैर माने कि उन्होंने खुद ही हाथ छोड़ दिया कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद ही कोई फैसला करे। अब यहां पर आप ये देखिए कि डेट भी जनाब करम जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने 29 अप्रैल की दे दी। अब यहां पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी वो उस पुल सिरात के ऊपर खड़े हो चुके हैं, जब आगे जाएं तो गिरने का डर, पीछे भी आएं तो गिरने का डर। ये देखने वाले मामला थे आगे वो कौन सा फैसला करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की अदालतों की गिरी हुई बका थी क्या उन्हें वो वापस लाने में कामयाब हो सकती है या नहीं। नून लीग के जो मामला है, अब नून लीग के अंदर भी कुछ डर खौफ पाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया गया या ये खबरें जो चलाई जा रही हैं ये बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हो रही। जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक चीज़ की दे दी कि अगर आप 9 मई वाले मामले के ऊपर कौम के सामने आकर माफी मांग लेते हैं तो कुछ हद तक मामलात को सुलझाया जा सकते हैं। तो फिर ये देखने वाले मामलात आगे ये सारे मामलात किस हद तक जाते हैं, लेकिन अभी अगर इस वक्त मौजूदा करंट सिचुएशन की बात की जाए तो फिर बिल्कुल ही मामलात खराब हैं। महंगाई आने वाले दिनों के अंदर बढ़ने वाली है,
दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सर उठा रही है। सिंध के अंदर कच्चे के डाकू बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और सिंध की जो गवर्नमेंट है वो आर्मी से रेंजर से ये अपीलें कर रही है कि आप आकर कच्चे के डाकू को ठिकाना लगाएं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और दूसरा पाकिस्तान की अदालतों के ये हालात की जनाब इकराम, जब जजिस सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ी अदालत के 6 जजेस ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाए कि हमें फैसले करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, तो हम कैसे फैसले करें, कैसे केस को सुने, ये एक बहुत बड़े सवाल निशान है एक ऐसे मुल्क के ऊपर जहां पर ये कहा जाए दुनिया के सामने कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। अगर आमरियत भी कहा जाए तो आमरियत के भी कुछ असूल होते हैं, यहाँ पर तो आमरियत को और आमरियत के कानूनों को भी रोन दिया गया, इंसानियत के कानूनों को भी रोन दिया गया। 9 मई के हवाले से आपको एक खबर देते चलो कि 20 लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन काफी हद तक लोगों को अभी तक भी यहाँ पर फौजी ट्रायल के अंदर रखा गया। जिन 20 लोगों को छोड़ा गया, अगर पूछा जाए कि उनके जो 1 साल बर्बाद किया गया, जितना मुद्दत कम पेश 1 साल उन्हें अंदर रखा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती, आप ये देखिए कि अब उन्हें जब अदालतों ने इंसाफ दे दिया कि जनाब इकरम ये बेकसूर थे, इनका कोई भी कसूर नहीं था 9 मई के हवाले से, तो फिर उनसे पूछा जाए, उन अदालतों से या उन लोगों से पूछा जाए, उन फौजी अदालतों से पूछा जाए कि आप लोगों ने बेगुनाह इन लोगों को 1 साल अंदर रखा, इसकी कीमत कौन अदा करेगा, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। नाज़रीन अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें, तब तक के लिए जी शुक्रिया।